इनसे हमारा गर्भवती निवेदन है, पीछे जाए ताकि रैली को शीघ्र प्रारंभ कर सके। देखिए अनुशासन का परिचय देते हुए हम सभी लोग अपनी अपनी व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करें। जो भी हमें व्यवस्था मिली है उस व्यवस्थाओं को हम लोग शीघ्रता शीघ्र बनाने का प्रयास करें। आगे मात्र महिला मंडल रहेगी, आगे के महिला वर्ग रहेंगी, ताकि जितने भी महासंघ के पदाधिकारी करेंगे शक्ति में आकर आपको आगे लेना तो आगे लो, आप पीछे जाओ, इसको आगे रखो, पहले इनको आगे 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 देखो वोटों के चक्कर में लाइन नहीं बिगड़ जाए, थोड़ा सा ये गैप 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 बना लो, आप हाँ थोड़ा सा गैप हो जाओ, गैप कर लो, बस गैप बना लो, गैप 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 बना लो, देखो सबके अच्छे जा रहे हैं। देखो कोई जेंट्स आगे नहीं जा रहा, ध्यान रखना केवल मारी नहीं रहा ना, बोले नीचे लगी नीचे लगी, अब ये पुलिस वर्ग को बनाने में बहुत टाइम लगेगा, लोग इसको मैं फोन करके कह देता हूँ, इसको सोचने के नशे में रोकते गाड़ी को भाई, थोड़ा गैप गैप, अरे आप बोलती है क्या आगे कर ले हो, थोड़ा इधर धर्म की शाश्वती सम्मेलन शिखर की आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। एक दो तीन चार जय गांधी जय।
भाई हमारी खेच रहे ना। साइड वाला को पीछे करो, डूबने वाला था। अरे मत किया तुमने। जो ये शिखर जी में समय शिखर जी हमारे तीर्थ को, जैनों के तीर्थ को, जो हमारा परम तीर्थ है, श्रद्धा का एक केंद्र है, उसको भारत सरकार द्वारा जो पर्यटन क्षेत्र घोषित किया है, उसको लेके पूरे इंडिया के जैन समाज में बहुत भयंकर रोष है। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि जैनों के हित में, अल्पसंख्यकों के हित में कार्य करेगी, और दूसरी तरफ इस तरह के गजट नोटिफिकेशन जारी करती है कि जो पर्यटन, जो हमारा तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ हम नंगे पांव चलते हैं, भूखे पेट यात्रा करते हैं, उस जगह पे पर्यटन क्षेत्र घोषित करके वहाँ पे मांस मदिरा का सेवन, दारू का सेवन, अश्लील हरकतें, ये चीज पर्यटकों से जारी कराती। जैन समाज में भावनाएं आहत हुई है, इसको लेके बहुत भयंकर रोष है। आज हम लोगों ने यहाँ पूरे अजमेर के जैन समाज ने एक अभी शुरुआत करते हुए इसके रोष प्रकट करते हुए एक रैली निकाल रहे हैं हम। ये रैली यहाँ छोटे दड़े की नशिया से नया बाजार होते हुए, कचहरी रोड होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेगी। कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब को माननीय राष्ट्रपति जी के नाम, माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के नाम और पर्यटन मंत्री, वन मंत्री, उनके नाम पे ज्ञापन दिया जाएगा। पूरा जैन समाज हम निंदा करते हैं इस आदेश की, जो उन्होंने जैन समाज की भावनाओं की अनदेखी करके भारत सरकार ने ये गजट नोटिफिकेशन 2795 5 अगस्त 2019 को जारी किया। इसकी पूरी जैन समाज घोर घोर निंदा करती है। वैभव जैन शिखर जी के पर्यटन स्थल घोषणा करने के विरोध में आज जैन समाज सभी सड़कों पे उतरा है, और जैन समाज की मांग है ये पर्यटन स्थल नहीं होके राष्ट्रीय धर्म स्थल बनाया जाए। इसके विरोध में आज हम लोग नशिया जी से रवाना होके कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देंगे, माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, हमारे यहाँ के सांसद, राज्यसभा सदस्य, राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र जी यादव को भी हम ज्ञापन देंगे, जो पर्यावरण मंत्री हैं, और हमारे यहाँ के और सुब्रत हेमंत सोरेन साहब जो झारखंड के मुख्यमंत्री है, उनके नाम पे आज ज्ञापन प्रेस करने जा रहे हैं। और हम लोग हजारों की संख्या में ये समाज के जन आक्रोश को देखते हुए इस रैली का आयोजन कर रहे हैं। जब तक ज्ञापन कंप्लीट नहीं होगा, जब तक मार्केट बंद रहेगा।